नाउ मूव फॉरवर्ड करता हूँ इसके कोड के ऊपर, इसके कोड बेसिकली कैसे लिखा जाएगा। तो मैं अगेन यहाँ पे एक अपना वे ऑफ कोडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके डिफरेंट मैंने आपको अब उसका मैकेनिज्म समझा दिया, आप उससे खुद अपना भी कोड लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, दो फंक्शंस बनाए हुए हैं, एक कमांड के लिए और एक डेटा के लिए। कमांड के लिए फंक्शन है तो मैं सिर्फ उसमें डेटा लाइंस के ऊपर वो रिस्पेक्टिव वैल्यू देके कमांड का फंक्शन कॉल कर लूँगा, और इसी तरह अगर मैंने डेटा सेंड करना है तो मैं डेटा वाले फंक्शन को कॉल कर लूँ। दोनों में डिफरेंस मैं समझा देता हूँ क्या है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक तो मैंने वो ज़ाहरी बात है उसकी जो रजिस्टर सेलेक्ट की पिन होगी उसको अकॉर्डिंगली सेट किया होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने रजिस्टर सेलेक्ट की पिन को यहाँ पे सेट किया हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें एक बेसिकली इसमें ये लूप लगा हुआ है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ को शिफ्ट करवा रहा हूँ। वो इस तरह से कि मेरे पास, अगर आपने देखा होगा कि जो डाटा लाइंस थी वो D0 से D7 तक जो डाटा लाइंस थी वो PE8 से लेके PE15 तक थी। तो बेसिकली जो मेरे पास 8 बिट का डाटा होगा किसी भी लोकेशन में पड़ा, आई नीड टू शिफ्ट दैट डाटा। जब मैं ODR रजिस्टर पे उस डाटा को सेंड करूँगा तो वो बेसिकली मुझे अपर हाफ में चाहिए। मेरे पास अगर मैं पोर्ट ई की बात करता हूँ, डी की बात करता हूँ, और उस पर मैंने डाटा को डिस्प्ले करवाना है, पोर्ट ई पे डाटा को सेंड करना है, तो ODR रजिस्टर को अगर मैं कॉल करूँगा तो वो तो स्टार्ट होगा PE0 से लेके PE15 तक। तो अगर मैं डायरेक्टली इस पे काम डाटा सेंड कर दूं तो 8 बिट का डाटा, तो वो PE0 से लेके PE7 वाली इनिशियल जो हमारे पास 8 बिट्स होंगी उस पे चला जाएगा। वेयर एज हमारे पास जो LCD की D0 है वो तो P8 के साथ कनेक्ट है, और जो LCD की D7 है वो PE15 के साथ कनेक्ट है। दैट मीन्स आई नीड टू शिफ्ट दैट डाटा इन द अपर हाफ। तो उसके लिए एक लूप लगाई गई है कि हम जो भी हमारे पास वैल्यू है जो हम डाटा या कमांड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जो 8 बिट की बेसिकली आस्की है, उसको मैं शिफ्ट करवा करवा के अपर पोर्शन में ले जाऊं। तो इसके लिए इसको 8 दफ़ा शिफ्टिंग कराई गई है ताकि वो अपर पोर्शन में चले जाए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास रजिस्टर है, पहले मैंने उसको इनिशियलाइज़ कर लिया अपने उस ODR रजिस्टर को विद ब्लैंक वैल्यू, जैसे हम इनिशिएट करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास ये LCD डेटा आ रहा था उसको मैंने और फंक्शन कर दिया ताकि उस पर हो जाए वो जो ODR रजिस्टर है उसमें वो वैल्यू चली जाए। और फंक्शनैलिटी में आपको पता है कि बिट वाइज और लिया जाएगा, तो जो भी LCD डेटा की वैल्यू होगी वो GPIO ODR पे भी मैप हो जाएगी। और LCD डेटा के अंदर मैंने उस वैल्यू को शिफ्ट किया हुआ है अपर हाफ में लेके जाने के लिए। तो बेसिकली अब वो उसकी पहली 8 बिट जो LCD डेटा 16 बिट का रजिस्टर है उसमें पहली 8 बिट ब्लैंक होंगी, एक्चुअल डेटा अगली 8 बिट पे मूव करवा दिया गया है। उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि हमारे पास जो D0 है वो PE0 के साथ कनेक्ट नहीं है, वो PE8 के साथ कनेक्ट है, तो इसलिए मुझे अपर हाफ में डाटा को भेजना पड़ा। उसके बाद जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनेबल पिन के ऊपर आई हैव टू सेंड अ सिग्नल ऑफ हाई टू लो, हमें एक हाई से लो की या फॉलिंग एज ट्रिगर प्लेस करवाना पड़ेगा। जैसे ही फॉलिंग एज ट्रिगर मिलेगा तो वो GPIO E से बेसिकली D0 से D7 पे जो डाटा गया होगा उसको रीड करेगा, और ये क्योंकि कमांड की बात हो रही है तो वो जिस भी कमांड की इंटरप्रिटेशन होगी वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा अगर आप फंक्शन देखें तो वो फंक्शन है मेरे पास डेटा के लिए, डेटा सेंड करने के लिए। तो उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि आपने उस रिस्पेक्टिव पिन को जो हमारे पास रजिस्टर सेलेक्ट की पिन है उसको उसके एसोसिएटेड वैल्यू से असाइन किया होगा। बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम है, बाकी सारी लूप भी वही है, ODR रजिस्टर भी वही है, काम वही है, और उसी तरह इनेबल का भी हाई से लो का सिग्नल दे रहे हैं, सिर्फ रजिस्टर सेलेक्ट की वैल्यू कुछ है। तो ये दो फंक्शंस बना लिए गए। अब मैं जब भी इन फंक्शंस को कॉल करूंगा तो डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल मैं ए डिस्प्ले करवाना चाहता हूं तो मैं ए की आस्की वैल्यू यहां पे रख के इस LCD डाटा को कॉल कर लूंगा तो ये मेरे पास LCD को डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन इट्स माय वे ऑफ मेकिंग अ कोड, आप इससे डिफरेंट भी कर सकते हैं। मैंने अपने रिसोर्सेज, लैब रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी एक कोड लिखा हुआ है। इससे कन्वीनियंट, अगर आपने खुद प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है और इंटरलिंक करना है, इंटरफेसिंग भी खुद करनी है, हार्डवेयर भी खुद बनाना है, तो बेटर इज़ आप कोई एक पोर्ट ले और उसकी इनिशियल के साथ ही अटैच कर दे ताकि आपको ये लूप ना चलाने पड़े, शिफ्टिंग वगैरह ना करनी पड़े, और डायरेक्टली ODR IDR रजिस्टर यूज़ हो सके। तो एनी हाउ ये कोड है LCD का हमारे केस के लिए। तो आई होप कि इसमें आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आंसर यू मे आस्क ड्यूरिंग द जो हमारा लाइव सेशन है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।